रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने आगे सभी पार्टियों को धराशाही करते हुए भारी भरकम जीत दर्ज की है। इसी के साथ ही कांग्रेस की सैफिया जुबैर खान 12,228 वोटों से जीती हैं, वहीं इन्हें कुल 83,311 वोट मिले। वहीं भाजपा के सुखविंदर सिंह 71,083 वोटों से दूसरे स्थान पर रहे। आपको बता दें, राजस्थान के विधानसभा में कांग्रेस के पास बहुमत के जादुई आंकड़े से महज एक सीट कम रह गई है। अभी तक कांग्रेस के पास 99 सीटें थी, जबकि सहयोगी आरएलडी के साथ एक सीट मिलाकर कांग्रेस ने यहां सरकार बनाई थी। अब कांग्रेस के पास 100 सीटें हैं। आपको बता दें, दिसंबर 2018 के दौरान राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस वक्त रामगढ़ सीट पर बीएसपी प्रत्याशी लक्ष्मण चौधरी का निधन हो गया था, जिस वजह से चुनाव आयोग ने चुनाव यहां स्थगित कर दिए थे, जिसके बाद दोबारा से यहां 28 जनवरी को चुनाव हुए थे, जिसका रिजल्ट आज आया है। ये जीत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भी काफी खास मानी जा रही है। रिपोर्ट, वीडियो डेस्क, न्यूज़ टॉक.कॉम।